हेलो गाइस, तो मेरा आज का ब्लॉग है। डेली से उठकर भी मैं अपने काम डेली के टाइम पे कैसे मैनेज करती हूँ, ये मेरा आज का ब्लॉग है। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए मैं कैसे मैनेज करती हूँ, आपको मैं पूरी तरीके से बताऊँगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की मॉर्निंग मैंने यहाँ से स्टार्ट की, अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो देखिए मेरा मगरमच्छ कैसा सोया, जैसे कि मगरमच्छ सोते हैं नीचे वैसे ही सो गया। और मैंने बाहर रंगोली कर दी है और सुबह सुबह का रूटीन ये मेरा, सुबह का झाड़ू भी इधर हो गया है। मैं एक बार बच्चों को उठाकर आई, अभी मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ। मैं ब्रश करते ही किचन में आ गई हूँ क्योंकि पानी मैं ठंडा देना चाहती हूँ, अभी गर्मी के दिन है तो बच्चों को ठंडा पानी देना होता है। तो मैंने फ्रिज में बॉटल्स भर के रख लिए पहले तो, और फिर मैंने गैस ऑन कर लिया, उसके ऊपर दूध वगैरह मैं रख दूँगी। मैंने यहाँ गैस के ऊपर गर्म पानी करने के लिए छोड़ दिया क्योंकि मैं डेली उठते ही थोड़ा लाइट गर्म पानी पीती हूँ जो कि अपने शरीर के लिए अच्छा होता है। उसके बाद मैं अपने काम को स्टार्ट करती हूँ, बाद में मैं एक घंटे के बाद ही चाय पीती हूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पानी रख दिया और जो मेरा थोड़ा ओटा रहता है वो भी मैंने एक बार से साफ़ कर लिया, और मैं यहाँ बाद में चाय बना रही हूँ। मैंने पानी पीकर चाय भी रख दिया है क्योंकि ये उठेंगे तो चाय होना ही होना उनको। मैं शक्कर पत्ते भी ऐड कर रही हूँ और यहाँ मैंने कुकर लिया है। मैंने यहाँ एक बार मंजीरा वाटर से चावल अच्छे से धो लूँगी, उसके बाद ही मैं जो फ़िल्टर का एक्वागार्ड का पानी यूज़ करती हूँ वो पानी ऐड करूँगी। और मैंने यहाँ नमक भी ऐड कर दिया है। मैं कुकर पहले चढ़ा दूँगी ताकि मेरा इधर उधर का काम होए जब तक मेरा चावल बन के रेडी हो जाएगा। और बच्चों को जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ एप्पल धो के कट कर रही हूँ, और बच्चों को सुबह सुबह मैं दूध नहीं कभी दूध वो देती ही रहती हूँ। तो आज मैंने एप्पल का जूस देने का कट कर ली हूँ। और यहाँ मैंने शुगर भी ऐड कर ली, और मैंने यहाँ मेरे से कुकर को विजिल नहीं आ रही थी तो मैंने एक बार कुकर का ढक्कन ओपन करके उसको फूंक मारी, फिर मैं जो ये रिंग रहता है उसको उल्टा करके लगा दिया तो मेरा ये कुकर विजिल आना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी मेरा ऐसा होता है तो मैं ये कुकर को ऐसा ही निकाल कर करती हूँ। आपका भी ऐसा हो तो आप एक बार ये ट्राई करिए। यहाँ मेरा जूस हो गया और जूस में मैं दूध भी ऐड करके मिक्स करके साइड में रख दूँगी ताकि बच्चे नहाने के बाद वो पियेंगे। और मैंने यहाँ स्नैक्स के लिए बच्चों को बॉक्स रेडी कर दिया, स्नैक्स में वेफर और ये उठ के ब्रश कर लिया। और अभी तक मेरे इन्होंने नहीं उठे, और ये बेटी का तो नहा ली, इन्होंने पहले ही उठ के नहा ली थी, अभी ब्रश कर रहे हैं क्योंकि इसे उठने में देरी हो गई, बोल के पहले फटाफट नहा ली बाद में ब्रश करने से लग गए ताकि बाथरूम खुला रहे तो बेटा नहा सके बोल के। यहाँ देखिए बिस्तर वगैरह वैसा ही पड़ा है, मैंने अभी तक फोल्ड भी नहीं किया इसे। और जो फोन जो चार्ज लगा दिया स्कूल का और इसको चोटी बनानी थी, रिबन वगैरह डालने का था तो मैंने इसे ऑयल लगाकर रिबन्स वगैरह कर दिए ताकि फटाफट से हो सके। और ये यहाँ पाउडर भी लगा रही हूँ, मैं ही लगाना पड़ता है डेली। दोनों को मैंने फटाफट से रेडी भी कर दिया, दोनों अपने आप सॉक्स वगैरह पहन रहे हैं। और मैं बैग ला के उसमें स्नैक्स बॉक्स और पानी वाटर बॉटल वो सब मैंने यहाँ पर उन दोनों को भी रेडी कर दिए है। अभी यहाँ ये दोनों स्कूल को जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, और पापा अभी नहाने के लिए गए हैं। पापा जब तक नहा धो के आएंगे तब तक ये दोनों थोड़ी देर बैठ के बातें वगैरह कर लेंगे, और मैं किचन में जाके अपना जो हो सके वो काम करूँगी। इनको दोनों को मैंने दूध भी दे दिया, जूस भी दे दिया, ये पी रहे हैं। और इन्हों ये शू पहन रहा है, उसको बनने के लिए नहीं आ रहा तो मैं इसको दूध दे रही हूँ, पीले बोल के नहीं पी रहा। और मैं यहाँ बेडरूम में आ गई हूँ ताकि जब तक मेरा बिस्तर भी मैं फोल्ड करके रख सकूँ, बच्चों को तो अभी टाइम है बोल के मैंने यहाँ बेडशीट वगैरह अच्छे से साफ कर दी। फटाफट से बेडशीट वगैरह साफ़ करके मैंने पिल्लोस वगैरह रख दिए थे। और बच्चे यहाँ निकले हैं स्कूल को जाने के लिए, बच्चे नीचे गए हैं। और ये गुड़िया देखिए उनको बाय बोलने के लिए यहाँ चेयर के ऊपर खड़ी है, रेडी है। और ये दोनों निकले हैं नीचे, वेट कर रहे हैं अपने पापा, गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, ये बैठ के चले गए हैं। और हद से मैं इसे बाय बोली और अंदर आ गई क्योंकि मेरा बहुत काम बाकी था, लेट हुआ था। तो मैं अंदर आते ही पिल्लोस अच्छे से रख दिए थे, और ऐसे करके मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं किचन में गई, जो मेरे मुझे आज भिंडी की सब्ज़ी
और दाल बनानी थी तो मैं भिंडी वगैरह कट कर ली। यहाँ मैंने बस सब्जी ये कर रही हूँ, सब्जी के साथ साथ मैं मुझे दाल भी बनानी थी तो मैंने रात में फ्रिज में दाल बनाकर कुकर में चढ़ा के रखी थी, जो कि मुझे अभी उसको फोड़नी डालना था। तो मैंने यहाँ दाल के लिए फोड़नी भी डाल दी। इधर दाल मेरी हो गई है और यहाँ सब्जी भी हो गई है। और मेरे यहाँ पुरानी दाल थी जो कि मुझे आज धूप में रखनी थी, ये चने की दाल है और वो तुअर की दाल है, तो मैं पहले धूप में रख के आऊँगी। मुझे ये पुदीना भी तोड़कर फ्रिज में रखना था तो मैं यहाँ पुदीना तोड़ रही हूँ, इसे फ्रिज में रख दूँगी। ये मेरे ये तो जब भी घर से बाहर जाते हैं किधर का सामान उधर ही रख देते हैं, टवेल ऐसा बेड पे रख के जाते हैं और थोड़ा ऐसा ही ओपन करके रख दिए। इन वगैरह मैं सुखा दूँगी, फैन लाइट बंद कर दूँगी, सुखा दिए है। विंडो के कर्टन्स भी मैंने ऊपर कर दिए ताकि हमें सुबह सुबह की फ्रेश हवा खाने को मिले और घर में उजाला भी आता है। तो मैंने ये भी बेडशीट फटाफट से निकाल कर साफ करके ये भी मैं अच्छे से टाइट लगा दूँगी। सब्जी वाला सब्जी बेचने के लिए आया है और मैंने इनके जो कपड़े रहते हैं पैंट शर्ट वगैरह पहले जेब वगैरह चेक कर लूँगी, जो कि उसमें कुछ ना रह सके, और एक बार पूरा चेक करके ही मैं इसे कपड़े धोने के लिए रख दूँगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. मेरा अभी खाने का टाइम हो गया है तो मैंने अपनी थाली लगा ली है, चावल भिंडी की सब्जी और दाल जो मैंने आज लंच में बनाए हैं मैं खाना खाऊंगी। तब तक बच्चे हो, बच्चों का आने का भी टाइम होगा और बच्चे आएंगे उनको भी खाना दूंगी। उसके बाद मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, वो बाहर के सब काम मैं आज फिनिश कर लूँगी। इसने अपना नारियल का जूस पीना स्टार्ट कर दिया, खाना खाने को इसको भूख नहीं है कहते, स्नैक्स ही फुल हो गया कहते। और बेचारा इधर लिखने के लिए बैठ गया, बाद में खेलने को जाना है शाम को बोल के लिख रहा है आते वेरी गुड गुड बॉय। खाना नहीं खाने का है क्या रे, हाँ कब खाता फिर? इन्हों भी नहीं खाना खाया, आते ही ड्रेस चेंज करके हाथ पांव धो लेके पढ़ने को बैठ गया। क्या तो लिख रहा, टीचर ने आज कुछ दिया कहते लिखने के लिए। और ये पी रहे है अपना जूस। गाइस अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:07 कम है, अभी शाम का टाइम हुआ है। सही पहले सोए बच्चे ने आके खाना वगैरह बाद में खा लिया था और मेरा शाम का अभी काम बाकी है। यहाँ बैग भी ऐसे ही रखे सोए, बॉटल वगैरह ये मैं अभी शाम के काम को स्टार्ट करूँगी। फिर हमें आज बाहर भी जाना है तो मैं आपको अभी निकालने के ये पूरा शाम का काम मैं फिनिश कर लूँगी। तो अभी 4 बजने को आ रहे हैं तो मैं अपना काम शाम का काम स्टार्ट कर दूँगी। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग और डेली के ब्लॉग्स भी पसंद आ रहे हो। सीखने में तो बहुत टाइम लगता है और मैं तो मालूम है आपको मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी से नहीं हूँ तो मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है। और एडिटिंग करने में भी मुझे बहुत सारा कम से कम 6-7 घंटे तो मुझे एडिटिंग में जा रहे हैं। एक हाउसवाइफ होके घर का पूरा काम, बच्चों को संभालना
और घर की देखभाल करना, फिर ये YouTube पे काम करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, ये बहुत सारा काम मेरा बढ़ गया है। अभी बच्चों के आंकड़े स्टार्ट हो गए इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मगर अभी फिर से स्कूल अगर स्टार्ट होने के बाद मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है, फिर मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी ये तो मुझे पता नहीं। मगर गाइस अगर मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आए, ना पसंद आए तो भी मुझे कमेंट कीजिए। और मुझे हाउसवाइफ के तो कितने सारे काम होते हैं, अगर हम फ़ोन पे लगे बैठे तो आके जाके हमारे तो बोल रहे हैं क्या फ़ोन पे लगे, तो भी मैं वो बातें पूरे सुन रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कर दिखाना है। लोगों का क्या ऐसे ही करते रहते हैं, अगर मैंने एक बार मन में ठान ली है तो करके दिखाऊँगी। चाहे मुझे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, फिर भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो मैं एडजस्ट कर रही हूँ। मेरा जो 4 घंटे 2 घंटे मेरा दोपहर का जो रेस्ट टाइम रहता है, वो मेरा जो रेस्ट जितना भी मेरा टाइम है वो सब टाइम इसमें ही लगा दे रही हूँ। और रात के कभी कभी तो मुझे 12-1 बज रहे हैं कि ये एडिटिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो भी मैं 12-1 बजे तक बैठ के एडिटिंग वगैरह कर दे रही हूँ। और सुबह अभी अब बच्चों के आंकड़े हैं तो सुबह भी जल्दी उठकर 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के उनको ये करना पड़ रहा है, तो वो पूरा मैं एडजस्ट कर रही हूँ। फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब तो गाइस मेरा आज का ब्लॉग है, अगर हमें कभी कभी उठने में देरी भी हो जाती है, हमारे से भी गलती हो जाती है, कभी कभी हमसे लेट हो गए, तो भी मैं बच्चों को टाइम पे कैसे भेजती हूँ, उनके लिए लंच स्नैक्स जो भी होगा हमारे डेली के टाइम पे, मेरा काम कैसे मैनेज करती हूँ। मुझे आज 2 घंटे लेट हो गया था, मैं डेली अभी हाफ डे स्टार्ट हो गया है तो 4 बजे उठ के मेरा पूरा काम कर रही हूँ, तो मैं आज 6 बजे जाने कैसे, मुझे नींद से ये नहीं हुआ तो मुझे लेट हो गया है, तो मैं मेरे माइंड में पूरे काम फिक्स करके फटाफट कर दिए। अगर आप भी अगर कभी कभी लेट हो जाए तो ऐसे काम करिए, आपका भी काम मैनेज हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा टेंशन लिए तो टेंशन से हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे पहले हम माइंड में एक बार सेट कर लेना कि हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है, ऐसा हम करके करें तो पूरे काम हमारे मैनेज हो जाएंगे और डेली के टाइम पे होंगे। अगर हर कुछ एक दिन लेट हो गया तो भी कुछ फिक्र नहीं है, मगर गड़बड़े में कुछ ऐसा वैसा हमारे हाथ से फिसल जाएगा, हमारे को मार वगैरह भी लग सकता है, तो हल्लू कर लीजिए। अगर आपको कुछ गड़बड़ कहाँ पर जाना है तो आप एक दो काम छोड़कर भी कर सकते हो। तो मेरा ये ब्लॉग आज का ब्लॉग है, लेट से उठने से भी मैं अपने काम कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे टाइम पे डेली के टाइम पे करती हूँ, यही मेरा आज का ब्लॉग है। तो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपको किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।